अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे या कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन यह बात बताना भी जरूरी है। शान रिसालत में गुस्ताखी को लेकर अब एहतजाज का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। नौजवानों को गोया एक काम मिल गया हो जैसे। हम दीन के मुजाहिदीन जैसे नात तराने भी उन वीडियो के पीछे लगाकर शाया करते हुए देखा जा रहा है। रील्स बन रहे हैं, वीडियोस भी बन रहे हैं। यकीनन एहतजाज जमहूरियत में लोकतंत्र को जिंदा रखने का जरिया है और होना भी चाहिए, लेकिन जिस आजमाइश के दौर से मिल्लत गुजर रही है, सिर्फ एहतजाज ही काफी नहीं है, इतना जरूर है। फिलहाल मुसलमानों की कैफियत भी अजीब नजर आ रही है। उलमा और अवाम के दरमियान फासले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नौजवानों को सिर्फ एहतजाज रैलियां जुलूस डीजे में दिलचस्पी नजर आ रही है। क्या नबी की शान में गुस्ताखी होने के बावजूद भी हम खामोश रहे? इस तरह के सवाल बजाहिर अच्छे लग रहे हैं। एहतजाज क्यों नहीं, हमें भी रैली चाहिए। नारेबाजी शोर शराबा ये किसी इनकलाब को बर्पा नहीं कर सकते, क्योंकि तब्दीलियां समाज में या परिवर्तन जहन साजी जरूरी है, जो आज के नौजवानों में कहीं नजर नहीं आ रही। दीनी जज्बों से सरोशार नौजवानों की कमी को महसूस किया जा रहा है। महज एक तरह की जहनी याशी या यूं कहिए कि अपनी बात मनवाने के मिजाज में नौजवानों का अक्सर तबका पेश देखा जा रहा है। और यह बात सिर्फ बेलगाम या कर्नाटक महाराष्ट्र तक महदूद नहीं है, मुल्की सतह पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। आप बतौर मिसाल महाराष्ट्र की तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि रियासत पड़ोस में ही है। शान रिसालत में गुस्ताखी को लेकर एहतजाज किए गए तो जानबूझकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ज्यादति के खिलाफ फिरका परस्तों की जानिब से एहतजाज किए गए और दोनों का टकराव हुआ, फसाद को बर्पा किया गया। अब तक तकरीबन 500 से ज्यादा नौजवानों पर मुकदमे दर्ज करने की बात कही जा रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में छतरपुर में कई मकानात पर बुलडोजर चलाए गए। हासिल इत्तला के मुताबिक रामगिरी महाराज के खिलाफ बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें कुछ नौजवानों ने पथराव किया, ऐसा पुलिस का कहना है। पर इससे पहले की कुछ वारदातों में जुलूस में फिरका परस्त अफराद दाखिल हो जाते हैं। वो कहां से आते हैं आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम आजू बाजू अगल बगल देखने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं रहता और वो जहन भी हमारा दौड़ता नहीं है, और वो पथराव को अंजाम देते हैं। कुल अब तक 6 शहरों में पथराव की वारदातें पेश आई है। लिहाजा छतरपुर में पथराव के बाद मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला गया और नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया। हाजी शहजाद अली के करोड़ों के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। आखिर इन वारदातों से हम क्या सबक ले सकते हैं? ये जो वाकया आपके सामने रखा है, ये किसी डराने के लिए नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो एक फिरासत को रख कर सोचनी पड़ती है। आखिर हमने क्या सबक लिया? असल सवाल तो ये है, इससे पहले भी हमने कहा कि हुक्मरान कोई भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, कीमत एक ही तबके को चुकानी पड़ती है, और वो है मुसलमान। आज बेलगाम जिले के छोटे छोटे करियों में जुलूस रैलियां निकाली जा रही है। यकीनन मुसलमानों के जिंदा होने का सबूत तो है, होना चाहिए जैसे हमने ऊपर कहा, पर क्या अब ये मिल्लत सिर्फ जुलूस रैलियां निकालने के हद तक ही महदूद होकर रह गई? नौजवानों पर मेहनत की जरूरत है। जज्बे ईमानी की बुनियाद पर आसमान से फैसले उतरते हैं। जो आजादी संविधान की जानिब से हमें मिली है, उसका इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, लेकिन यह कहना कि हमारी मुसलमानियत की दलील ये है कि हम एहतजाज निकालेंगे, महज एक खाद वारदात पर जुलूस का दौर देखने को मिल रहा है। वैसे तो कई कानून मुसलमानों के खिलाफ जारी करने के लिए कतार में खड़े हैं, कुछ तो मंजूर किए जा चुके हैं। वक्त तरमीम बिल के लिए जेपीसी की टीम बनाई गई है। उमूमन भारत में एक नई तरकीब देखने को मिलती है, मामले को अदालत के हवाले किया जाता है, फिर वहां कोई टीम बना दी जाती है, जैसे बाबरी मस्जिद के वक्त देखा होगा, फिर 3 तलाक का मामला हो, 370 हो, और अब औकाफ की मिल्कियत को लेकर फिर उसमें किसी एक मुसलमान को यूं ही रख दिया जाता है, जो महज नाम का जज होता है, और फिर मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है, जिसे अदालती फैसला कहते हुए हम तमाम मुसलमान खामोशी से उसे कबूल भी करते। लिहाजा हम सबको इससे आगे जाकर सोचने की जरूरत है, मंसूबे बनाने चाहिए। महज रस्मी एहतजाज से हमारी दिफा नहीं हो सकती। बेलगाम में मुकदमा दर्ज किया गया, इसी तरह सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, और मजबूरन गिरफ्तार करने की नौबत हुकूमत पर आए, इसका दबाव भी बनाना चाहिए। सिर्फ इसराइल फलस्तीन पर कुत्तों का दौर कहने पर पासा जैसी दफा मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगा दी गई, अब तक रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही। आप सभी देख रहे हैं, कहने का मतलब कुछ और तरीका सोचना होगा। महज जुलूस रैलियों पर इत्मीनान करने का दौर गया, यकीनन होना चाहिए, क्योंकि यह संविधान हमें इजाजत देता है। और अगर भाजपा की हुकूमत है तो फिर रैलियों में शरीक होने वालों पर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और जा चुके हैं। हुबली का मामला सभी को मालूम है, महज एहतजाज पर यूएपीए जैसी खतरनाक दफाएं लगा दी गई
और उस वक्त भाजपा की हुकूमत थी, ये भी अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। हालात को समझकर फैसले लेने की कुव्वत हमारे दरमियान होनी चाहिए, इसमें खास करके उलमा सियासी लीडरों को पहल करनी होगी। महज नौजवान सुनते नहीं है, बात मनवाने की कोशिश करते हैं, कहकर दामन नहीं झटक सकते। आप सभी को आगे आना होगा, क्योंकि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इल्मी माहिरीन और नौजवानों के दरमियान जो फासले बढ़ रहे हैं, उन्हें खत्म करना होगा। आज भी उलमा हमारे रहबर है, उनकी सरपरस्ती हमें जरूरी है, पर देखने में यह मिल रहा है कि कहीं तो कमी जरूर है जिसे पुर करना होगा। दीन इस्लाम पर आए दिन हमले हो रहे हैं। नौजवानों से गुजारिश है, मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, अपने आप को ईमानी एतबार से हम तैयार रहे। वक्ती तौर पर नारे लगाने से समाज में बदलाव नहीं आता, नौजवानों की तरबियत अहम मसला है। बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कट्टा कमेटियां आबाद हो रही हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है, जहां से गलत रास्तों के दरवाजे खुलते हैं। नमाजों की पाबंदी बेलगाम के अक्सर मुसलमानों में देखने को नहीं मिलती। एक बड़ा नौजवानों का तबका है जिनकी सुबह 11 बजे होती है। इसी रैली को लेकर शहर के दरमियानी इलाके की मस्जिद में मीटिंग तलब फरमाई गई थी, जिसमें मौलाना साजिद ने एक बड़ी अच्छी बात कही, रैली जरूर निकाली जाए लेकिन नौजवानों को मस्जिद में इबादत और जिक्र में बिठाया जाए और बुजुर्ग उलमाए किराम और जमातों के जिम्मेदार रैली में शरीक रहे। खैर, कुछ लोगों को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन कुछ बातें काबिल गौर थी जो उन्होंने उस वक्त बताई। लिहाजा रैली को लेकर जो हंगामा देखने को मिल रहा है, लम्हे फिक्र ही कह सकते हैं। बेलगाम जिले के अथनी, रायबाग, कुर्ची, खानापुर, एमके उबली, हीरे बागेवाड़िया और भी कई छोटे छोटे शहरों में रैलियां निकाली गई, जिसे देखकर कुछ नौजवानों में जोश जरूर आ रहा है, आना भी चाहिए और उनके जज्बों को सलाम, लेकिन महज शक्ति प्रदर्शन इसका मकसद न हो। बेलगाम वही शहर है जहां एफआईआर मलून रामगिरी महाराज पर दर्ज की गई, अब उसे गिरफ्तार करने के लिए भी रैली निकाली जाए, इस तरह की भी आवाजें कुछ लोग उठा रहे हैं। कुछ नौजवान, क्या बेलगाम वालों ने चूड़ियां पहनी है, क्यों रैली नहीं निकाल रहे, इस तरह की भी बात कहते हुए देखने को मिल रहे। पर यह भी बात उतनी ही सच है कि अपने जज्बे को संभाल कर रखो, इसके आगे बहुत मौके मिलेंगे बहादुरी दिखाने की, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमान सियासी चारा है। जितना वो लोग मुस्लिम विरोध करते रहेंगे, उतना सियासी कद उनका बढ़ता रहेगा और फिरका परस्त लीडरों का भी बढ़ता जाएगा। अभी आजमाइश के सख्त मरोलों से मुसलमान इस मुल्क में गुजरने वाला है, और उस आजमाइश का मुकाबला वही करेंगे जिनकी कुव्वत ईमानी मजबूत हो। कामयाब हो कामरान तो वही होंगे जो अपने जानों के नजराने पेश करने का मौकूफ रखते हो। इतना जरूर, आज का मौसम कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।